वहीं उत्तर प्रदेश में हिंदुओं को टारगेट बनाया जा रहा है। बागपत से लेकर अयोध्या तक टारगेट पर हिंदू हैं। बागपत में जहां हिंदू परिवार को गला काटने की धमकी दी गई, तो वहीं अयोध्या में नाबालिग बच्चियों के साथ छेड़खानी की गई, यहां तक कि उनके कपड़े भी फाड़े गए। अयोध्या के हैदरगंज इलाके में लोगों ने एक लड़के की जमकर पिटाई की। उसने पहले तो खुद को हिंदू बताया, लेकिन जब लोगों ने सख्ती दिखाई तो पता चला कि वो मुसलमान है। बताया जा रहा है कि दो लड़कियां ई रिक्शे से स्कूल जा रही थीं, तभी बाइक सवार तीन लड़कों ने ई रिक्शा रोककर लड़कियों को उतारा और उनके साथ छेड़खानी करनी शुरू की, यहां तक कि उनके कपड़े भी फाड़ दिए। इस बीच ई रिक्शे वाले का, जिसने लड़की के घर वालों को बुला लिया, इस दौरान एक आरोपी को पकड़ लिया गया, बाकी दो आरोपी फरार हो गए। लोगों ने आरोपी की जमकर पिटाई की और फिर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस फरार दो आरोपियों की तलाश कर रही है। लेकिन पीड़ित लड़की का इस पूरे मामले में क्या कुछ कहना है, उनकी माँ का क्या कुछ कहना है, आपको सुनवाते हैं। वो तीनों लड़कियां स्कूल जा रही थी, उसके बाद से फिर वो अपनी रिक्शे से जा रही थी, तो दो लड़के तीन मतलब बाइक से तीन लड़के आए, उसके वजह से तीनों लड़के हमारी लड़कियां को रिक्शे रोक के उतारे, उसके वजह से उसका कपड़ा फाड़ दिए। कपड़े फाड़ने के बाद से फिर हम लोग को बुलाया गया, वहां से रिक्शा वाले बुलाए हम लोग को, हम लोग आए, उसके बाद उन लोग को बहुत हम लोग मारा, फिर उसके बाद उसको पकड़ के फिर लिया। बताइए तीन इतनी अभी 12 साल की लड़कियाँ, उन लोग को क्या पता, लेकिन वो 22 साल का लड़का एक लड़की को छेड़े, कितनी शर्म की बात है। ये पहले हिंदू बन के छेड़ा, उसके बाद फिर अब सच्चाई क्या पता चल रहा है कि वो मोहम्मदन बने। अयोध्या के एसपी सिटी मधुबन सिंह ने कहा कि पीड़ित की शिकायत पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, एक आरोपी की गिरफ्तारी हुई है और बाकी दो अन्य नामजद आरोपियों की तलाश जारी। पीड़गंज चौराहे के पास दो बच्चियां एक ई रिक्शा से जा रही थी, तभी पीछे से मोटरसाइकिल सवार तीन लड़कों ने उनको रोककर उनसे छेड़छाड़ करने का प्रयास किया, छेड़छाड़ किया। इस संबंध में वादी की तहरीर पर थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत किया गया है। उनमें से एक लड़के को गिरफ्तार किया गया है, दो अन्य जो नामजद हैं उनकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।